तो ये आपका कल का डाउट था राइट, एरिया ऑफ सर्कल वाला, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो राइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेपर नंबर 13 फ्रॉम लिबर्टी। पेपर है पेपर नंबर 13, लेट्स सी सेक्शन बी। अब ये भी हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं पता नहीं। 25 फिक्स्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। चलो ये पहला वाला तो इजी है, प्राइम फैक्टर्स 156, 13 इंटू 12, 12 मतलब के 2 स्क्वायर इंटू 3, तो आपका 12 ये प्राइम फैक्टर आ गया। तो सीक्वेंस में लिखना जरूरी नहीं है बट आपको थोड़ा अच्छा लगे। लो प्राइम फैक्टर ऑफ 156 इज ओवर एंड आउट। क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, फाइंड द एलसीएम। ये पहले तो क्वेश्चन फिक्स ही है और फर्स्ट चैप्टर अगर बराबर आता है तो 4 मार्क पक्के हो गए। ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 8 का 2 क्यूब, 9 का 3 स्क्वायर और 25 का 5 स्क्वायर। एचसीएफ कितना मस्त, जेंटलमैन है एचसीएफ। भाई आप लोग तो वीडियो ऑन ही नहीं करते हो, 2-4 मेरे बंदे दिखते हैं बस, 2 ही है। एलसीएम सभी का सभी लेना पड़ेगा, मतलब कि 8, 9 एंड 25, 25 8 200 200 into 9, आई थिंक आपका एलसीएम भी आ गया। आज ये दोनों क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा, दैट्स फेयर एंड गुड। क्वेश्चन 27, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द रूट इज 8/5 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट राइट 3/5 रिस्पेक्टिवली। आपको ऐसे भी लिख सकते हैं राइट, पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाट इज योर सम ऑफ द रूट, तो के 8/5। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो के 3/5। नाउ लेट्स टेक एलसीएम, तो के 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 और ये 5 को नीचे रखेंगे राइट, तो ये k बाय 5 ले सकते हैं हम लोग, तो k बाय 5 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 पर k इज नॉट इक्वल टू 0। आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी आ गया। कई लोग ये नीचे 5 का इक्वल टू 0 करके उस तरफ भी ले जाते हैं राइट। देर आर वेरियस मेथड, 28 देखो, 28 चलो नीचे आ जाए तो ठीक है। 28 n टर्म आपका दिया है ए एन 2n+3 बराबर, देन फाइंड सम ऑफ 24 टर्म, सम ऑफ 24 टर्म। तो स्टार्ट करें आप लोग, ए वन 5, ए टू 7, डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। सर यहां से क्लियर दिखता है एन का कोएफिशिएंट, ए एन में एन का कोएफिशिएंट हो। बच्चों ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली मैं पूछने वाला हूं। अगर एस एन से ए एन पूछे, एस एन में हमेशा पावर 2 होता है, तो डायरेक्ट कैसे ए एन फाइंड करते हैं, 2 टू 4 एन, एक पावर कम,
और इसका कोफिशियंट में से इसका कोफिशियंट माइनस करो, ये प्लस 3 माइनस 2 1। और अगर यहां से सीधा आपको डी पूछे तो एन का कोफिशियंट आपको डी मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आप धड़ाक से यूं ही लिख सकते हो। अब आपका डी आ गया 2, आपका ए आ गया 5 और हम ढूंढते हैं एस 24। तो के एस एन इक्वल टू एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की फॉर्मूला है। लिखने के बाद एस 24 24 बाई 2, थोड़ी थोड़ी मुझे हेल्प करना मल्टीप्लीकेशन में, 2 इंटू ए तो के 10, एन मतलब के 24 माइनस 1 23 बराबर, और डी आपका कितना है 2 तो के 46, ये आपका 12 हुआ। 46 प्लस 10 56, तो 56 इंटू 12 तो 600 समथिंग आया, आई थिंक 672 इज द आंसर। चेक कर लेना आप लोग, इतने में हमने समा लिया। नाउ कम्स 29, लेट अस सी, ये थोड़े फास्ट चलते हैं। अब अगर आपने कंक्लूजन निकाला हो तो पहले हमने व्रज किया विथ लॉट्स ऑफ मिस्टेक, देन वी हैव डन अ गाला, आई थिंक ऑलमोस्ट एक आंसर जो था सर्कल का वो 1:2:3 जो गलत था, इसके अलावा बाकी कोई मिस्टेक नहीं। लिबर्टी अगेन लॉट्स ऑफ मिस्टेक, बट इसके पेपर थोड़े चैलेंजिंग, और मार्वल में यहां पे भी बहुत सारी मिस्टेक राइट, फिर भी अच्छे क्वेश्चन है और अच्छों की तारीफ करनी पड़ती है। 29, फाइंड द 28th term फ्रॉम द लास्ट टर्म। ओह, लास्ट टर्म वाला खास देखना अपने सिलेबस में है। इसकी बेस्ट मेथड, वेदर योर स्कूल अप्रूव और नॉट, योर बोर्ड एग्जाम विल डेफिनेटली अप्रूव, उसकी सीरीज को उल्टा कर दो, 253 और 5-5 का आपका डिफरेंस है वो दिखता है, तो 5-5 का डिफरेंस लेके आप चलो 243-13.8.3। फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन कंक्लूड, व्हाट इज ए तो के 253, व्हाट इज डी, डी इज एक्चुअली नेगेटिव, डी इज -5। हमको 28 टर्म फाइंड करना है, मतलब A20 मतलब के A प्लस 19D फ्रॉम द एंड, मतलब के हमने आगे ले लिया उसको। A आपके पास है खुशी खुशी 253 और 19 इंटू -5 तो आपका 253 -95, मतलब के आंसर आपका 158। इट इज अ बेसिक टेक्सुअल सम, बराबर टेक्सुअल सम है एंड आई लाइक दिस। नेक्स्ट वन इज नंबर 30, तो नंबर 30 पे देखते हैं और ये प्रूव करने का है। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ए इज लेस देन 90, बी इज लेस देन 90, दैट मीन्स सी इज डेफिनेटली 90, और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है, तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ऐसा मत समझना कि सर ये प्रूव दैट है तो नहीं पूछेंगे, इट इज टेक्सुअल 8.1 एंड आई थिंक दे विल आस्क। अब मैं आपको दो सी को 90 ले लेते हैं, ए एंड बी दे आर एक्यूट एंगल, सी 90। अब जरा यहां सब लोग देखे जिनका ट्रिगोनोमेट्री मेरे जैसा थोड़ा थोड़ा कम आता है, कॉस ए मीन्स व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, कॉस बी मीन्स व्हाट, कॉस बी मीन्स व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। नाउ दे आर इक्वल बिकॉज दे मेंशन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, एज दे आर इक्वल AC upon AB that is equal to BC upon AB, their common denominator equal होने की वजह से cancel, that means AC equal to BC,
and according to standard 8 rule, in a same triangle, if two sides are equal, angle opposite to them are equal. Angle opposite to them are equal. AC के सामने का angle B और BC के सामने का angle A. Hence, angle A is equal to, actually तो measure angle लिखना चाहिए. A is equal to measure angle B. Hence, prove. That was question number 30. Those who wanted to write or they having some trouble, तो एक बार वो देख ले जब तक के मैं वहां तक आ जाऊं. ऑलमोस्ट 30 अपने फिनिश कर लिया है. तो नाउ स्विच ओवर टू नेचुरल नंबर की फॉर्मूला आनी चाहिए. एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू. राइट, 100 नंबर का समेशन किसने किया था, तो कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस. ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या है, तो कि एन स्क्वायर. इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है, तो कि एन इंटू एन प्लस वन. राइट, ये सब आपको ओरली आना चाहिए. नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 31. A line passing through center O of a circle. O of a circle intersect one tangent to the point Q. Okay. Tangent of that, tangent to the tangent point P. Lord, to naya aaya. Radius of a circle 5. A line passing through center O of a circle intersect one tangent to the point Q. Intersect one tangent to the point Q. Tangent to the tangent point P. Radius of a circle आपका 5 है. OQ आपका 13 है. Right? आपको पूछा है PQ. तो भाई ये तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. आपका PQ 12 आ जाता है. राइट, वेरी सिंपल. ओपी परपेंडिकुलर, इसकी लैंग्वेज देखी आपने, मैंने जो पढ़ी थी वो. राइट, मेजर पी 90 है. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर. 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर. राइट, यहाँ पे आ गया 12 का स्क्वायर. पी क्यू मतलब आपका टेंजेंट का मेजर आ गया 12. सी एम हो तो सी एम, और बाकी कुछ हो तो ठीक. नेक्स्ट वन, नंबर 32. ड्रॉ ए सर्कल. चलो ड्रॉ ए सर्कल तो करो. ये अपना टेक्स्ट बुक का है, बहुत सारे पेपर में है. ये अगर 2 मार्क में आया तो यू गाइस आर लकी. ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन. एक लाइन दी है, 1 गिवन लाइन. 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. इसमें एक आपकी लाइन है, राइट, एम, जो टेंजेंट है, टेंजेंट. और दूसरी लाइन है आपकी सेकेंड. तो ये आपका सेकेंड है, ये आपका टेंजेंट है, और ये आपकी गिवन लाइन है. आपको ऐसा रिप्रेजेंट करना है. राइट, रिप्रेजेंट करना है. खत्म हो गया 32. देखते हैं 33. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग रेडियाई 5 एंड 3. चलो, बहुत घिसा पीटा सम है, पर एक अच्छा सम आ रहा है. ये 5, ये 3, ये O, ये M, ये A, ये B. सर्कल फॉर सर्कल हैविंग सेंटर O रेडियस 5, AB इज ए कॉर्ड. बड़े वाले के लिए फॉर सर्कल सेंटर O रेडियस 3, AB इज ए टेंजेंट. टेंजेंट कुछ कुछ लोग ये सम देख के ना बोलते हैं, आप सम मत करो. आता है ओ एम बाई सेट्स ए बी. एक दिन में कभी कभार तो 2 बार आता है.
So AB is double, then MB result 1. According to Pythagoras, OM square plus MB square equal to OB square. Hence MB square equal to 5 का square minus 3 का square. Right, that is 4 square, मतलब के MB आ गया आपका 4 cm. और हमको तो पूछा है AB, तो 2 into 4, that is 8 centimeter. तो length of the chord is 8 centimeter. Right? Next question. अब कितना time बचा है? ऐसे तो कोई problem नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन 34, बट मैं वो लास्ट में लेने वाला हूं. 34 आज लास्ट में लूंगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिलेबस में है. कौन से चैप्टर का होगा तो आपको अकॉर्डिंग टू पेपर स्टाइल पता चल ही जाएगा कि ये बिलोंग्स टू चैप्टर 13 होगा. अब मैं पहले 35, 36 करूं और फिर टाइम का यूटिलाइजेशन करके. तो पहले 35 मोड फाइंड करना है, तो के क्लास एंड फ्रीक्वेंसी. माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे 35 नंबर में जनरली 99% मोड ही फाइंड करते हैं, मोड ही. कल हमने एक गलती से मीन फाइंड किया था, फिर आप लोगों ने बोला था कि सर ये टेक्सचुअल है, तो आपने मोड भी फाइंड कर दिया था. सम ऑफ यू गाइज आर वेरी स्मार्ट, they wanted to do it as such. चलो देखो, मोड है तो हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं. हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी में मॉडल क्लास पहले लिखते हैं, मॉडल क्लास 20 to 24. वॉट इज एल लोअर लिमिट, तो के 20. वॉट इज हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग टू दैट F0 is 7. Frequency succeeding to that, right, is 1. Class length H is what? 4. Hence, हम लोग formula रखेंगे, Z equal to L plus F1 minus F0, नीचे 2F1 minus F0 minus F2 into H. ये सब आपको लिखना है. F1 represents higher frequency, F0 preceding to that frequency, F2 succeeding to that frequency, H class interval और L lower limit. ऐसा आपको आना चाहिए. 15 minus 7, 15 to the 30 minus 7 minus 1 और H आपका है 4. ये 20, ये 8, ये 4. 30 में से 8 गया तो 22. ओहो, ये आपका 2, ये आपका 11. तो 20 plus 16 by 11, 11 ones are 11, बचा 5, 11 fours are 44, right, 6 बचा, 11 fives are 55, 5 बचा, right, 11 fours are, तो 1.45 ले लो, आपका answer 21.45, right, very normal sum, 35 के बाद 36 देखते हैं. हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, से वन इज ऑफ 1 रुपी, वन इज ऑफ 2. तो टू कॉइन, कॉइन जब भी हो 2 raised to n, आपका ये आपका 2 raised to n, मतलब 2 raised to 2 आपका 4 हुआ, बराबर. तो इसके चांसेस कितने हैं, 1 rupees and 2 rupees, 1 rupees and 1 rupees, 2 rupees and 2 rupees, and 2 rupees and 1 rupees. ऐसे कुल टोटल इवेंट हुए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही गेट्स एटलीस्ट वन हेड. अब हेड का पूछते हैं, राइट, मजदूरी करवाने के बाद. तो आपका एच 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 टी TT and TH. अब क्या पूछते हैं, what is the probability that he gets at least one head? ये भी है, ये भी है, ये भी है. तो answer, at least मतलब के minimum one head. तो सिर्फ यही नहीं आएगा,
थ्री बाय फोर आंसर आपका, आंसर कितना आया 3/4। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन जो हमने 34 नंबर टेक्स्ट बुक है तो निकाल देना, ये टेक्स्ट बुक का ही इलास्ट्रेशन है शायद, होपफुली ये एग्जाम्पल टू या तो मोस्ट प्रोबेबली थ्री एग्जाम्पल, यस थर्ड एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 13 का। और अब मैं बाकी का ये रॉक कर देता हूं, और पूरा इसको अच्छे से देखते हैं सभी बच्चे, ये सम को बराबर देखना ईच एंड एवरी वन, बिकॉज चैप्टर नंबर 13। वंस आई टोल्ड यू टैक्टिक्स हाउ टू हैंडल द पेपर, इसमें मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल अवॉइड दिस सम, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलते हैं, ओवरऑल ऑप्शन है, सो मेजोरिटी दे विल नॉट लुकिंग एट दैट, बट दोज आर इंटरेस्टेड इन द कैलामिटी, दो चार ऐसे गलत और ये एक अच्छा पूछ लिया, तो वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, राइट माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, जरा मुझे कोन बराबर बना दो, मिसाइल बनाता हूं मैं, बराबर ये कोन, ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, भाई यहां पे सिलेंडर ऐसा है, रॉकेट ऐसा होता है, दोनों की रेडियस अलग हो गई, बराबर हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट 26 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट जस्ट 6 सेंटीमीटर, मतलब कि आपका सिलेंडर का कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, क्लियर दिखता है 20 सेंटीमीटर, बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन डायमीटर 5 है, मतलब कि ये रेडियस 2.5, ये रेडियस 2.5 कोन की, एंड सिलेंडर पोर्शन सिलिंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर 3 है, तो ये 1.5 और ये 1.5, वो भी मैं क्लियर कट लिखूंगा यहां पे, कॉनिकल पार्ट को पेंट करना है ऑरेंज, ऊपर वाले पार्ट को ऑरेंज और नीचे वाले पार्ट को आपको किससे येलो से करना है, पाई भी उन लोगों ने दे दिया है 3.14, आपको कुछ मुझे हेल्प करना पड़ेगा कैलकुलेशन में, सबसे पहले मैं सब लिख दूं, यहां पे कोन और यहां पे सिलेंडर, कोन को ऑरेंज और इसको येलो, बराबर है, अब कोन की हाइट 6 सेंटीमीटर, कोन की रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट 20 सेंटीमीटर, सिलेंडर की रेडियस कम है 1.5 सेंटीमीटर, यहां पे तो हमको एल भी लाना पड़ेगा ना, एल तो यहां पे देखो एल स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, 6 स्क्वेयर प्लस 2.5 द होल स्क्वेयर, 36 प्लस 625, 42.25, एक मेथड आपको बार मेथड आती ही है, और दूसरी मैंने सिखाई थी 25 का आप 0.5 ले लो, और दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म देखो जिसमें एक प्राइम नंबर होगा आपका 6, 7 सा, और वहां पे एक छोटा वाला नंबर लेना है 6 और 7 दो कॉन्जिक्यूटिव में, तो वो आपका 6.5 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट हुआ, मतलब कि ये हम लोग लाए, बराबर है, अब खाली कोन का करना है, राइट, तो के हम लोग एरिया टू बी अलग अलग है, एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट ऑरेंज कलर से करना है, यह ध्यान से देखो तो क्या क्या आएगा, तो इसमें इसका सीए से, बराबर उसका एरिया बेस भी आएगा, एरिया बेस
और इसका एरिया बेस माइनस करना पड़ेगा किसका, सिलेंडर का, बराबर। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा CA से ऑफ कोन, राइट, फॉर्मूला के साथ लिखो CA से ऑफ कोन प्लस, मुझे इस तरफ भी करना पड़ेगा, एरिया बेस ऑफ कोन माइनस एरिया बेस ऑफ सिलेंडर। अगर एक दूसरे के अंदर सरमाउंटेड होता है ना ऐसा, राइट, टाइम भी फिनिश का मैसेज दिया गया, तो कैंसिल कर लेते, कैंसिल कर लेते हम लोग, पर ऐसा नहीं होगा। ये आपका पाई आर एल एरिया बेस ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर, और ये आपका पाई आर स्क्वायर। पाई को मैं पहले से ही कॉमन निकाल लेता हूं। रेडियस 2.5 इंटू कितना है L, 6.5, गुड। रेडियस, रेडियस किसका, उसका ही रेडियस माइनस पाई तो बाहर है, रेडियस इसका 1.5 द होल स्क्वायर। बहुत अच्छा सम है, डोंट डाइवर्ट योर कॉन्सेंट्रेशन। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके दो, ये मैं लाता हूं 6.25 माइनस 2.25, तो ये आपका 4 है, और ये 65 इंटू 25 16.25। चलो कुछ आप लाओ नहीं लाओ, ये 4 है, तो 4 एंड दिस पाई इंटू 20.25। अब पाई का इस्तेमाल करो, यहां पे मुझे पक्का आपकी जरूरत पड़ेगी। 20 इंटू 20.5 इंटू 3.14, राइट, तो आप इसका आंसर फटाफट बता दीजिए कैलकुलेशन करके। तो 605, तो आपका आंसर कितना आया, तो के 63.585 cm का स्क्वायर। सर अभी सेकंड पार्ट बाकी है, अब नेक्स्ट वाले में, सिलेंडर वाले में क्या क्या करना है वो देखो। खाली सिलेंडर वाले में क्या करना है, CA से ऑफ सिलेंडर एंड एरिया बेस ऑफ सिलेंडर भी लेना है, एरिया ऑफ सिलेंडर टू बी पेंटेड। लास्ट क्वेश्चन ही है, तो CA से ऑफ सिलेंडर, भाई इसका कैलकुलेशन तो और भी खराब है, प्लस एरिया बेस ऑफ सिलेंडर। एक साइड का एरिया बेस ऑफ सिलेंडर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर है। तो CA से ऑफ सिलेंडर 2πRH, और इसका कॉमन क्या रहेगा, पाई आर, 2H प्लस R, आपका पाई 3.14, आपका रेडियस 1.5, 2H मतलब के 40 प्लस R 1.5। चलो इतना आप मुझे कैलकुलेशन करके दो, एंड दस आओ यू विल बी गेटिंग रीड ऑफ दिस।
चलो 4.71 इंटू 41.5। तो लास्ट का कैलकुलेशन करने में क्या आ जाता है, अगर आंसर सही है तो ठीक है, पूरा जेन्युइनली कैलकुलेट किया है बच्चों। यहां पे आपका सेक्शन बी और पेपर नंबर 13 जो एक अच्छे क्वेश्चन के साथ हमने कंक्लूड किया, राइट। सो इफ यू लाइक माय वीडियो यू कैन not only like but you can share and subscribe my channel. Thank you very much from Sankey Study Center, Sanjay Purohit. Goodbye to you guys.